हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज है दीपावली और हमारी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। यहाँ पे आज मंदिर का भी हमने सारे पर्दे वगैरह आज ही धो रहे हैं, तब से आज ही धो के मतलब अभी सूखने वाले हैं, अभी लगा देंगे। बाकी मम्मी यहाँ पे मंदिर के बर्तन वगैरह धो रही हैं और जो बाहर हमने फूल लगाने हैं वो भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं। गन्ना भी लेके आ गए हम लक्ष्मी माता बनाने के लिए। इनसे अभी लक्ष्मी माता बनाऊंगी मैं, दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ लक्ष्मी माता। पिछले साल भी शेयर किया था, इस साल भी शेयर करूँगी। फिलहाल मम्मी अभी मंदिर के जो छोटे वाले बर्तन हैं वो सारी चीज़ें धो रही हैं और हमारी तैयारियां सुबह से चली रही हैं। 9:30 हो चुका है, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं मिल पाया। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, दीपावली के दिन सुबह से काम 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 काम, शाम तक काम ही रहता है। बस सारी साफ़ सफाई, पूरे महीने भर से साफ़ सफाई चल रही है लेकिन दीपावली तक साफ़ सफाई ख़त्म नहीं हो पाती है। और अच्छा, सबसे अच्छा त्यौहार मुझे दीपावली ही लगता है। इसमें यह होता है कि हमारे पूरे घर की सारे ओने कोने कपड़े वपड़े सब धुल जाते हैं, सब धूप में सूख जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी अभी ये मालाएं जो हैं, तोरण वगैरह, ये हम लगाएंगे गेट पे। ये तोरण गेट का है, बाकी ढेली का है। और अभी पापा ने भी सुबह सुबह मालाएं ले रखी हैं हाजरी की, वो मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, नीचे चलते हैं। बाकी काशी यहाँ पे बैठी हुई है पटाखे फोड़ने के लिए, तो मम्मी से भी बात कराते हैं। लो मम्मी, हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, दीपावली की बधाई हो। बधाई हो, दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। और इसी प्रकार हर साल मनाते रहो, भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता के घर आने पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दीपोत्सव हर साल इसी प्रकार से मनाते रहो। जय माता। आप भी बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों सभी से बुलवा लिया हैप्पी दिवाली और यहाँ पे इनसे भी बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। कम कम पटाखे फोड़ना सब, हाँ ज्यादा पटाखे मत फोड़ना आज। तो यहाँ पे देखिए सब तैयारियों में ही लगे पड़े हैं, सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने का भी नहीं हो पा रहा है। काशी नहीं करो बेटा, इसके बाद एक झाड़ू मारना पड़ेगा पूरे छत पे। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, नित्या से भी मिलाती हूँ आपको। अभी हमने कर्टेंस भी खोले हुए हैं मंदिर के, ये भी लगाने हैं। उससे पहले मैं कर देती हूँ गेट की सारी वो। अभी हम लोग ने खाना पीना भी कुछ नहीं खाया हुआ है, मैं लक्ष्मी माता बनाऊँगी और मम्मी पापा तो व्रत ही रखते हैं। देखती हूँ नित्या क्या कर रही है। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी बाहर से? दोस्तों सारी मालाएं इसने उलझा दी हैं, गले में डाल रही है मालाओं को। नहीं बेटा ये टूट जाएंगी। हैप्पी दिवाली तो बोल दे सभी को। हैप्पी दिवाली दोस्तों, ये ले तो आप भी डाल लो। ये आपके गले में माला डाल ली दोस्तों, ये हैप्पी दिवाली पे। चल वहाँ रख दे बेटू, टूट जाएंगी। तो दोस्तों ये हमने 10 मालाएं ली हैं, वो मैं अभी बड़ी करवा रही हूँ पवन से, वहाँ पे रखी हुई है। ये तो दोस्तों अब मैं अभी तक का तो आपको नहीं दिखा पाई थी, झाड़ू पोछा यही सब चल रहा था सुबह से मेरा। मम्मी का बहुत ज़्यादा काम हो रहा था और अभी भी हमारे काम फिनिश नहीं हुए। अब मैं करती हूँ गेट की सजावट, सजावट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। बाकी ये रूम मैंने पूरा अच्छे से लग कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। डाइनिंग टेबल के कवर लग चुके हैं मेरे, ये तो लगा दिए थे, जो ये कल मैं कवर लेके आई थी ये भी मैंने अभी लगा दिया यहाँ पे। अभी फिलहाल और चीज़ करूँगी और ये टेबल कवर लगा दिया है। बाकी हमारा ये पर्दे का ये टूट रखा है, ये भी लगवाना है अभी। तो अभी पवन करेंगे मालाओं को बड़ी और फिर हम करेंगे गेट की सजावट। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, हमारा दीपावली का जो हम तैयारियां करते हैं उसके साथ। और ये फूल ना आर्टिफिशियल कितने भी लगा लो, जो ये रियल वाले फ्लावर्स होते हैं ना, ये ज़रूर लेने भी चाहिए और लगाने भी चाहिए। इससे क्या होता है, जो फूल बेचते हैं उनकी भी थोड़ा सा दीपावली के दिन इनकम हो जाती है। और घर में आर्टिफिशियल कितना भी लगा लो, जो ओरिजिनल में बात ना हर साल लगाते हैं हम लोग ना गेट में, हर साल ओरिजिनल भी लगाते हैं और आर्टिफिशियल दोनों मालाएँ लगाती हूँ मैं, ओरिजिनल भी और आर्टिफिशियल भी। लेकिन जो बात ओरिजिनल में है ना, चाहे दूसरे तीसरे दिन सूख जाती है, लेकिन जो बात ओरिजिनल में है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं है। तो ये पवन यहाँ पे कर रहे हैं बड़ी माला, सामने अंकल से ली थी हमने माला है ये। अब इनको काट के बड़ी करेंगे, जो गांठ है ना उसको एक साइड कर देना ताकि निकले ना। हाँ ना मैं बताऊँ कैसे करो। हमारे पर्दे भी सूख चुके हैं, इनको निकालते हैं लगाते हैं मंदिर में। बाकी मम्मी ने जो मालाएं भी सुखा रखी हैं यहाँ पे, धो दी थी मम्मी ने पहले ये, और गन्ना भी रखा हुआ है। तो कैसे गन्ना से मैं लक्ष्मी माता बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले सबसे पहले पर्दे निकाल के पर्दे लगा देते हैं मंदिर में। हेलो गाइस,
दोस्तों यहाँ पे अब हम बना रहे हैं लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता जब गन्ने से बनाई जाती है तो उसके नीचे से कुछ ना कुछ रखा जाता है। कुछ लोग गेहूँ रखते हैं, कुछ लोग चावल रखते हैं, और हम लोग रखते हैं खील और एक चांदी का सिक्का, और नीचे थाली में, तांबे की थाली में चांदी का सिक्का और खील हमने रख दिए हैं। जैसे कि पहले मम्मी बनाती थी, शादी के फर्स्ट साल भी मम्मी ने ही बनाई, उसके बाद शादी के सेकेंड ईयर से मैं ही बनाती हूँ हर साल। तो फर्स्ट ईयर मम्मी ने बताया था कि कैसे बनानी होती है, क्या क्या रखना होता है, तो उसके बाद से मैं ही बनाती हूँ। और इस बार मैंने लक्ष्मी को उनके कपड़े ही पहना रखे हैं, अदरवाइज़ पिछले साल मैंने मम्मी की एक साड़ी न्यू साड़ी पहनाई थी लक्ष्मी माता को, और पिछौड़ा भी अपना वाला पहनाया था। इस फिर मैंने पिछले साल माता रानी के लिए एक नया सा पिछौड़ा लिया, और यहाँ पर मेरी माता रानी पूरी सज के तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने उनको एक बड़ी बड़ी सी बिंदी लगाई, और मम्मी भी देखने आ गई हैं कि कैसी बनी है लक्ष्मी माता। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई लक्ष्मी माता कैसी लगी। ठीक है, तो बने रहिए आगे आगे ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों अभी टाइम कुछ हो चुका है, दिन का 2 बजने वाला है, और अब जाके मंदिर का सारा काम हो चुका है, लक्ष्मी माता बन चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत सजावट भी मैंने और कर ली है, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लक्ष्मी माता कैसे सजाई हुई है। तो माता को मैंने पहले दूसरी वाली नथ पहनाई थी, पर बाद में मैंने ये पहाड़ी नथ पहना दी है। और यहाँ पे माता का आसन भी लग चुका है, और माता बैठ गई हैं हमारे घर पे आसन में, और यहाँ पे उनके सारी चीज़ें लग चुकी हैं, फूल वगैरह। अभी दिया नहीं जलाया, दिया हम लोग शाम को जलाएंगे, सर सारी तैयारी करके रखी हुई है। काशी भी देख रही है। तो ये रहा हमारा फाइनल डेकोरेशन मंदिर का, ये देखिए। तो दोस्तों मंदिर की सजावट हो गई है, लक्ष्मी माता बन चुकी हैं, और अब हम करते हैं अपनी गेट की सजावट फूलों की मालाओं के साथ। तो मस्त से सजावट आपके साथ भी शेयर करेंगे हम लोग। तोरण वगैरह तो रखा हुआ है, पर तोरण लगाने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, देखते हैं कैसे क्या एडजस्ट करते हैं। तोरण कैसे लगेगा, तोरण? या तो एक काम करते हैं ना, एक पर्दे का डंडा ला के वहाँ पे कोने में खड़े कर देते हैं उसको, उससे बांध देते हैं, नहीं लगेगा। तो गाइस ये देख सकते हैं, यह जबरदस्त माला बनाई जा रही है दोस्तों, और यहाँ पे पापा खड़े हुए हैं, ये जल ना जाए यहाँ से। चलो मैं नहीं रंगी खड़े तो होते, किसी दादी तो माँ किसी तो मालना जा रही है, चाहे रिश्ते मार रही है तुझे। यहाँ लग रही है शानदार माला बेटा। ये माला टूट जाएगी। हाँ कैसे कर रही थी, क्या होता है ये हैं? अब नौजी साफ कर ले पहले। महाभारत 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 महाभारत। क्या पता हो, ईश्वर की दया से हो। मोदा लगे जाएगी अभी। उसके लिए डंडा फिट करना पड़ेगा, सोचना है अभी, यहाँ से सोचना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे वो बांस का डंडा मारना पड़ेगा ऊपर को, यहाँ को वो डंडे को कसके बांधना पड़ेगा। कि स्कूटी आ रही है, डार्लिंग स्कूटी आ रही है, पीछे हो जा पीछे हो जा। एकदम ऐसा सर उठाया, ऐसे मैंने आप उठाने के लिए आ रहे हैं, डाल दे खा रहा। चल पीछे को जाओ, तुम लोग वहाँ जाओ। हैक वैक पर होगा, पत्थर मार रहा है, फिर वो तेरे ऊपर आएगा, फिर मेरे से मत कहना। हाँ चल चल चल, मैं दे रहा हूँ उसको, ये ले ले ले।
बस हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। चलो खान दो से खान दो। भारत महाभारत, दिवाली के दिन भी टेंशन का माहौल यहाँ बनते हुए नित्या काशी ने यहाँ अपना कमाल दिखा दिया है बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों माला वगैरह का डेकोरेशन पूरा हो चुका है, तोरण यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि उस साइड से तोरण हमारा लग नहीं पा रहा था, ऊपर से लगा नहीं पाए हम लोग, तो तोरण नहीं लगाया हुआ है, गेट में सिर्फ माला है। और अब हम लगाते हैं लक्ष्मी के पाँव। अभी मैंने इस बार ना रंगोली भी नहीं बनाई है और टाइम भी शाम हो चुकी है, सुबह से काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हमारे, देखते हैं कितना हो पाता है, रंगोली बन पाती या नहीं। सही से लगाना हाँ, फिर सीधे सीधे होके लगाना हाँ, सीधे करके मुंह करके लगाओ ऊपर को, ये देख आराम से लग के। दोस्तों सीढ़ियों में लक्ष्मी माता के पांव भी हमारे लग चुके हैं, ये काशी गिन रही है यहाँ पे ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पानी वाले दिए ऐसे सजा के रख दिए हैं, वहाँ से ऐसे वायर डाल के। हमारी नित्या भी सो चुकी है, सुबह से थक गई है। और यहाँ पे पवन अभी फिलहाल पानी वाले दियो का डेकोरेशन कर रहे हैं, पापा भी बैठे हुए। उठाओ उठाओ दीदी, उठ उठ, नए कपड़े पहनते हैं, उठो उठ, हैप्पी दिवाली कर रहे हैं। देख दिए जला दिए, देख हमने सब लाइट जला दी, उठ तू उठ जा, देख हम तेरा वेट कर रहे थे, तैयार करती हूँ अब चल, उठ उठ, अब तैयार करते हैं, उठ जा उठ जा। वो देख कितने सारे दिए जला दिए हमने, देख थक गया मेरा बच्चा सुबह से, थक गया मम्मा की डांट मार खा खा के थक गया। देख देख हमने अंदर भी दिए जला दिए, उठ इतने जला दिए, फिर देख लेंगे। पहले ऐसा है ना, तुम चला ला गोली बार, हम फोड़ो ला बम, हेठो स्वामी भर्ती हो नो हम जे की छा कम। अच्छा तुम चला ला गोल बारूद, हम फड़ो ला बम, हेठो स्वामी भर्ती हो नो हम जे की छा कम, ये कहते थे पहले। जाओ विंडो में जग के आओ, जाओ पूरा शहर जगमगा उठा है, एक उधर कोने में रखा, इधर 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 काशी थी काशी, बस दो दो तीन काफी हैं उधर।